नमस्कार, पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। पहले सरकार लगातार लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रही थी, तब लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच नहीं रहे थे, लेकिन 21 जून से जब सरकार ने इसका उत्सव शुरू किया तो अब वैक्सीन सेंटर पर लोगों की तो कतारें लगी हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के डोज नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन सेंटर्स पर हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस खबर में देखिए किस तरह गुरुवार को छतरपुर के 2 टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त डोज न होने के कारण हंगामे की स्थितियां निर्मित हो गई। एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन की जागरूकता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें वहां वैक्सीन नहीं मिल रही है। गुरुवार को एक बार फिर छतरपुर जिले के 2 टीकाकरण केंद्रों पर मौजूद डोज दोपहर को ही खत्म हो गए। वैक्सीन खत्म होने पर मुख्यालय के 2 केंद्रों पर जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में 18 प्लस और 45 प्लस के 2 केंद्रों पर गुरुवार को वैक्सीन की सिर्फ 400 और 250 डोज ही मौजूद थे। उक्त डोज दोपहर 2 बजे के आसपास ही खत्म हो गए, जिसके कारण सुबह से कतारों में लगे लोग भड़क उठे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर करने के लिए कुछ इसी तरह की तस्वीरें शहर के नवीन माध्यमिक विद्यालय महलों के समीप बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर भी नजर आईं। यहां दोपहर 3 बजे अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने के कारण वैक्सीन खत्म हो गई। कतारों में लगे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर के भीतर घुस पड़े। यहां ड्यूटी कर रहे स्टाफ ने अत्यधिक भीड़ के कारण अचानक टीकाकरण को बंद कर दिया। यहां मौजूद कर्मचारी कमलेश सोनी, माया शर्मा, प्रियंक शुक्ला, कमल किशोर अवस्थी, यूनिस खान, गजेंद्र चौहान और प्रसन्न वाजपेयी इस तरह की भीड़ से डर गए और वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा। हालांकि यहां पुलिस कर्मियों के नाम पर 2 लोगों की ड्यूटी थी, लेकिन उनसे भी ये भीड़ संभल नहीं रही थी। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को छतरपुर जिले के कुल 67 केंद्रों पर ही वैक्सीन लगाई गई। गुरुवार के लिए 14,150 डोज छतरपुर आए थे, जो पूरे जिले में बनाए गए 67 केंद्रों पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच ही खत्म हो गए। यहाँ पर मैं जब आया तो मैंने देखी काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, मैं पीछे से लाइन में लग गया। इसके बाद मेरा नंबर भी नहीं आ पाया, 2 घंटे लगा रहा मैं लाइन में। इसके बाद नंबर जब तक आने वाला था जब तक वैक्सीन खत्म हो गई। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो आपका महाभियान चल रहा था उसमें टारगेट बेस के ऊपर वैक्सीन आ रही थी, तो जैसा कि आज हमारा टारगेट जो था 400 लोगों का था, बट काफ़ी अधिक संख्या में व्यक्तियों के मतलब लोग आ गए, तो जो 400 का टारगेट था हमारा वो अभी 2 बजे ही पूरा हो गया। अब उसके बाद जो वैक्सीन है उसके लिए वैक्सीन मतलब अभी हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ जो आपका ये 18 से 44 वाला सेशन चल रहा था इसमें आपका 400 लोगों का था, और जो आपका 45 प्लस में चल रहा था उसमें आपका 250 लोगों का था। इस रिपोर्ट में इतना ही। पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे थे तो लाइक और फॉलो करना इस पेज को कतई ना भूलें। नमस्कार।